नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लंबी लंबी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब ठीक ठाक हो, अपना अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो दोस्तों। और हम नमस्कार, तो दोस्तों आज मैं आपको 12 टिप्स बताऊंगा जिसमें आपका जो बर्ड्स है अच्छी ब्रीडिंग करेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी दोस्तों, और हर चीज़ बर्ड्स की शुरू से एंड तक जितनी भी डाइट होती है दोस्तों, डाइट चार्ट मैंने बनाया है दोस्तों सिर्फ आपके लिए। विंटर का दोस्तों डाइट चार्ट है जिसमें दोस्तों पहला आता है तुलसी। तो तुलसी दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया हो जाता है कि बर्ड्स को जो ठंडी में नज़ला खांसी जुकाम होता है दोस्तों, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है तुलसी, बर्ड्स को देनी चाहिए। मैं हफ्ते की दोस्तों डाइट चार्ट बता रहा हूँ जिससे आपके बर्ड्स काफ़ी एक्टिव रहेंगे दोस्तों। इसे तरह तरह का फूड चेंज करके आप दोगे तो आपका बर्ड्स का जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी मजबूत होगा दोस्तों। पहला तो तुलसी होता है दोस्तों, काफ़ी फायदे होते हैं। और दूसरा दोस्तों लूसन होता है, ये होता है पाकिस्तान में होता है, बट उसके जैसा मेथी होती है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स है। मेथी दोस्तों हीट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। मेथी के लीव्स आप बर्ड्स को दे सकते हैं, मगर इसको ज़्यादा नहीं देना क्योंकि इससे मोशन भी लग सकता है बर्ड्स को। सेकंड तो ये होगी दोस्तों, और आपको मैं ठंड बता देता हूँ कि बॉयल कॉर्न दोस्तों, छल्ली के जो उबले दाने होते हैं आपको ये देने हैं। इसमें काफ़ी आयरन वगैरह, प्रोटीन वगैरह काफ़ी होता है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों वीट्स, जिसमें उबली वीट्स आती है। तो दोस्तों उबली गेहूँ होते हैं जो कि इसमें प्रोटीन वगैरह काफ़ी अच्छे से होता है, जो कि बर्ड्स को काफ़ी, इसके जो चिक्स होते हैं उसके काफ़ी ग्रोथ अच्छी होती है, इससे बर्ड्स का साइज इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। पांचवी होती है पालक दोस्तों, पालक में दोस्तों काफ़ी कैल्शियम वगैरह, आयरन, जिंक, हर तरह के इसमें पालक के काफ़ी फायदे होते हैं जिससे बर्ड्स को काफ़ी हेल्प मिलती है उसके ब्रीडिंग के टाइम में, और सारी तरह के इसके प्रोटीन विटामिन के हर चीज मिलती है दोस्तों। और सातवां पॉइंट है काले चने दोस्तों, इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बर्ड्स को एक्टिव रखने में, उसकी हेल्थ, उसके वेल्थ और प्लस में उसकी फैदर क्वालिटी, ये सब एक्टिव नस पॉइंट होते हैं दोस्तों। ये सब फूड हो गया और इसके जो चिक्स वगैरह होते हैं काफ़ी ग्रोथ करते दोस्तों काले चने से। आप देखते हो कि जैसे कि आप चने जो घोड़े खाते दोस्तों कितने एक्टिव होते हैं, उसी तरह से दोस्तों आप बर्ड्स को काले चने खिलाओगे बॉइल करके या भिगो के दोस्तों, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और सातवीं दोस्तों, सातवीं पॉइंट है कि मिक्स सब्जी दोस्तों, इसमें मिक्स सब्जी में काफ़ी तरह के सब्जी होती है, लौकी हो गई, घिया हो गई और शिमला मिर्च, ये पांच छह तरह के आप मिक्स फूड करके आप इसको दे सकते हो बर्ड्स को। और दोस्तों नौवें पॉइंट है जो कि बॉइल राइस हो गया दोस्तों, आप बॉइल राइस हफ्ते में एक बार दीजिए ताकि बर्ड्स का जो फैट है, फैट में भी फैट परसेंटेज काफ़ी अच्छे से रहे, ज़्यादा नहीं देना क्योंकि इसकी जब फैटी हो जाता है बर्ड्स तो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करने में परेशानी हो जाती है दोस्तों। और एग के शेल होते हैं दोस्तों, उसका पाउडर भी आप डाल सकते हैं बॉइल राइस के ऊपर दोस्तों। और एग शेल को दोस्तों पाउडर करके आप बर्ड्स के जो फूड होता है उसमें आप डाल सकते हो, जिससे कि कैल्शियम काफ़ी बर्ड्स को मिले दोस्तों। और दसवां पॉइंट है मिक्स दाल दोस्तों, मिक्स दाल आप बर्ड्स को ये दीजिए कि तीन चार तरह की दाल होती है जो कि प्रोटीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, मसूर, मूंग, मलका, काले चने की दोस्तों, ये काफ़ी फ़ायदेमंद दाल होती है जिससे बर्ड्स को काफ़ी प्रोटीन की मात्रा मिलता है। ये होता है कि दोस्तों जितने भी हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं बर्ड्स के लिए ना यूज़ करके आप नेचुरल डाइट आप दे सकते हैं जिससे बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी हो दोस्तों। और ग्यारहवीं पॉइंट है दोस्तों गाजर, आप गाजर दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद होती है कि बर्ड्स को आप गाजर दीजिए ताकि आपका बर्ड्स जो
तरह तरह के विटामिन मिले हैं दोस्तों। और 12वां पॉइंट ये है कि आप मिक्स सीड दीजिए, क्योंकि मिक्स सीड से ये होता है कि दोस्तों तरह तरह का फूड खाने के बाद बट अगर हल्का फूड खाता है तो आपके जो जितने भी 6 डेज में आपने बर्ड्स को फूड दिया होगा वो 7 डेज में आपका डाइजेस्ट होएगा। ताकि बर्ड्स को ये होता है कि तरह तरह का फूड खा के मन भर जाता है, किसी दिन कम दीजिए किसी दिन ज़्यादा, जिससे आपके बर्ड्स की भूख भी ठीक तरह से बने रहेगी दोस्तों। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये मैंने विंटर की डाइट चार्ट बता दी दोस्तों। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप न्यू व्यूवर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और प्रमोट कीजिए कि मेरे को मोटिवेशन मिले दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आप दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है आपको पसंद नहीं आती तो दोस्तों क्या करूँ, मेरे पास यही मोबाइल है। और जब भी आगे कोरोना के टाइम दोस्तों ये करूँगा कि जो मैं फ़ोन है उसको चेंज करूँगा ताकि वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आए। और आप सभी भाइयों को मेरे वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ मेरी वॉइस का भी फ़र्क नज़र। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।